कभी अपना खून तो कभी शराब, शैतानी हरकत। आधा गिलास उसको शराब उसको पिलाई, उसको पिलाई, फिर गिलास तोड़ा, फिर उसके अपने खून निकाला, फिर उसको बच्चों को खून पिलाया। जिनको जलाने के लिए आमिल ने लड़की को जला डाला। मैंने बहुत जबरदस्ती की अपने हाथ चूल्हे से ऊपर उठाने के लिए, लेकिन उसने क्या किया कि मैंने दोनों जो हाथ थे वो तकरीबन 2 मिनट के लिए हाथ चूल्हे में थे मेरे। टीम इंकशाफ को इंटरव्यू देने वाला कौन, मुतासरा लड़की या जिन? घबराहट होने शुरू हो जाती है, उसके बाद इतनी घबराहट हो जाती है कि बस चीखे मारने को दिल करता है, कभी करता है कि मैं किसी को मार दूं। जिन्नात के असरात क्या होते हैं, किसी बीमारी के आसार? ऐसा लगता था जैसे मैं एक अंधेरे कमरे में अकेला बैठा हूँ बस। इस वक्त मेरे साथ अमीर साहब मौजूद हैं, जो कि वालिद हैं हिना के, और उनकी वालदा भी मौजूद हैं, उनके चचा भी मौजूद हैं, और इनसे जानते हैं कि सारा वाकया क्या हुआ था, इसका पस मंज़र क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वाल सलाम सर। अमीर साहब क्या करते हैं आप? सर मैं यहाँ कार पार्किंग है उसमें चौकीदार हूँ सर। ये आपकी कार पार्किंग है? जी हाँ सर। जी हाँ, बात कर रहे हैं, आप चौकीदार हैं? जी हाँ सर। अली अख्तर को आप कैसे जानते हैं? सर ये कार पार्किंग जैसे मैंने खोली तो माले वाले ने कहा कि सर ये बंदे की गाड़ी ये बाहर खड़ी होती है तो चोरी चकारी वगैरह है, तो आप भी इसकी गाड़ी भी अंदर खड़ी करो। तो चलो ठीक है, तो जो जुबान के पैसे बने उस हिसाब से मैंने यहाँ गाड़ी खड़ी की। 3 महीने तक गाड़ी खड़ी रही, तो दुआ सलाम इसी बढ़ता रहा, कभी सुबह को आना, दोपहर को आना, कभी 3 दिन के बाद आना, कभी 5 दिन के बाद आना। तो ये बात दुआ सलाम गहराई हो गई। बेचारे इस बाप को अंदाज़ा ना था कि ये दुआ सलाम आने वाले दिनों में इसके बच्चों के लिए किस कदर खतरनाक साबित होगी। बात कैसे कार पार्किंग से जिन निकालने तक जा पहुंची? बच्चों को मुफ्त ट्यूशन पढ़ाने के पीछे छुपा था कौन सा मकसद? क्या मुलजिम घर में आने वाले बच्चों पर भी करता था जादू टूना? सिंदूर था और एक नागमणि थी, और सिंदूर लगा था उनके ऊपर और बाल थे चारों तरफ से। जिन निकालने के बहाने कैसे लड़की पर तोड़े गए जुल्म के पहाड़? आमिल ने ऐसा कौन सा मंत्र फूका कि लड़की बेहोश हो गई? शराब से लेकर अपना खून पिलाने तक आमिल की शैतानी हरकत। जिन को जलाने के लिए नाम निहाद आमिल ने कैसे लड़की को जला डाला? दोनों हाथों से पकड़कर वो घसीटते हुए इस कमरे से क्लोज होकर हाल में लेकर गए। लड़की चिल्लाती रही लेकिन वालिदैन जाली पीर को रोकने में क्यों हुए नाकाम? मुझसे शादी करोगी तो जिन निकलेगा, कैसे खुलकर सामने आ गई आमिल की शैतानी चाल? टीम इंकशाफ को इंटरव्यू मुतासरा लड़की ने दिया या फिर लड़की के रूप में जिन बोलता रहा? जादूगर हमेशा एक छोटे बच्चे को क्यों रखता था अपने साथ? बच्चे ने आमिल के घर में देखी कौन सी खौफनाक चीजें? जिन्नात के असरात क्या होते हैं, किसी बीमारी के आसार? बड़ी हौलनाक है आज की ये दास्तान। रवैया बिल्कुल ठीक था? बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक था सर। फिर क्या हुआ? फिर क्या सर, मेरे जो छोटे जो बच्चे हैं कहा कि ये मेरी वाइफ पढ़ाती है ट्यूशन, अच्छी पढ़ी हुई है, तो मेहरबानी का अगर आप इसको समझे कि बच्चे छोड़े मेरे पास ट्यूशन के लिए तो शायद बेहतर होगी, आपके बच्चे पढ़ेंगे, मुझे आपकी फीस नहीं चाहिए। अच्छा जी हाँ सर। यानी कि उसने खुद आपको ऑफर? जी हाँ सर। जी हाँ, मैंने बोला बच्चों को देखा, मतलब जाओ के घर देखो, तो जो बड़ा बेटा था उसने घर में देखा कि 30-35 बच्चे और भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने बोला जब हाँ पढ़ रहे हैं चलो भाई ठीक है, मरले की बात है तो कुरान पाक भी पढ़ाते थे, ये भी पढ़ाते थे, तो मैंने बोला चलो बच्चे पढ़ रहे हैं तो इनके साथ आप भी पढ़ लो। और आपको अख्तर की बीवी ठीक लगी थी, वो सही पढ़ाने वो वाली? हाँ वो सही लग रही थी, चेहरे में तो सही थी, अंदर की तो भाई कोई बात पता नहीं है ना, कोई लोग कैसे हैं कैसे, वो तो हमें पता नहीं था। तो इसी वजह से वो मेरी बेटियाँ 4 दिन गई, तो 5वें दिन वो मेरी बच्ची आई, तो उसने मतलब वो जब उधर से आती थी ना मेरी मतलब इससे 4th नंबर वाली बेटी, बहुत चिड़ी चिड़ी होती थी, तो हमने बोला तुम उधर से आ रही हो अभी 3 दिन ट्यूशन गई हो तो इतना तुम चिड़ी चिड़ी क्यों हो? चिड़ी जाती थी वहाँ जाके? हाँ बहुत चिड़ी चिड़ी, कोई बड़ी बहन उनको बोले मैं बोलूँ वो रोने पड़े, चिड़ी चिड़ी हमसे झगड़ा करें, हमें समझ नहीं आ रही थी, हमने मतलब ज़हन नहीं दिया। बच्चों की बदलती नफ्सियात के पीछे क्या राज छुपा था? टीम इंकशाफ जब हकायक की खोज में मुबैना मुलजिम के घर के बाहर पहुंची तो कैसे वहां भी हुए हौलनाक इंकशाफात? ना सोच पाता था ना समझ पाता था, ऐसा लगता था जैसे मैं एक अंधेरे कमरे में अकेला बैठा हूँ बस।
जहां मुलजिम इस घर में ट्यूशन पढ़ने के लिए आने वाले बच्चों के साथ जादू टूना करने की कोशिश करता, वहीं उसे कार पार्किंग चलाने वाले हमीद की बेटी में भी आसेब का साया नजर आने लगा। बल्कि सच बात तो ये है कि इन वालिदैन को खुद भी यकीन था कि उनकी बेटी पर जिन्नात के असरात हैं। साहब मुझे ये बताएं कि आपने अभी इस बात में तस्करा किया कि आपकी जो बेटी यहाँ बैठी हुई है इन पे जिन्नात का साया। जी हाँ सर। आपको को कैसे पता चला इन पे जिन्नात? बेहोश हो जाती थी और जिन्नात जो बोलना शुरू होते थे, भाई मैं कलंदर पाक इधर फकीर वगैरह, हाजिरी लगती थी इसकी, ठीक ठाक हाजिरी लगती थी। क्या होता है आपको, आपको आप जब ये कह रहे हैं कि आप पे जिन्नात आ जाते हैं या आप पे कोई ऐसी कोई चीज़ आती है, तो आपकी क्या कैफियत होती है? मेरी कैफियत ये हो जाती है कि घबराहट होने शुरू हो जाती है, उसके बाद इतनी घबराहट हो जाती है कि बस चीखे मारने को दिल करता है, कभी करता है कि मैं किसी को मार दूं, कभी कैसी कैफियत हो जाती है, कभी कैसे मुझे खुद में पता नहीं चलता, बेहोश भी हो जाती थी। अच्छा। और इतने मतलब ये मेरे शोल्डर्स वगैरह भारी हो जाते हैं, मेरा बॉडी पेन इतना भर जाता है जैसे ना 10 किलो का वजन मेरे मतलब जिसमें पे सवार है। मुझे ये बताएं हिना कि आपको ये जो चीज़ होती है जी आपके जी साथ जो हाजिरी होती है, बिल्कुल उससे पहले आपको आइडिया होता है कि होने वाली है, किसी चीज़ से आप ट्रिगर हो जाती हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसे हो जाती है जैसे मतलब कोई बेसबारी हो, मुझसे ज़्यादा बेसबारी हो, या फिर कोई तेज़ी से मुझसे बात करे, अचानक से मेरी जो कैफियत है ना अभी तक भी आज तक भी बदलती रहती है। आज तक यानी आपको लगता, ये लगता है कि आपसे कोई फालतू की बहस करे या आपको तकलीफ दे तो या बेवजह कुछ बोल दे, बंदा बेवजह बोल दे, कुछ टॉर्चर करे, तो मेरी कैफियत चेंज हो जाती है। किसी भी तरह से कोई हर्ट करने की कोशिश करे, बिल्कुल, तो फिर आप पे कैफियत आ जाती है। आ जाती है। बकौल इस लड़की और इस खानदान के, ये सब कैफियत जिनों के असरात हैं। अब सवाल ये है, क्या इन कैफियत का तिब की दुनिया में कोई इलाज नहीं? क्या सिर्फ आमिल ही कर सकते हैं इलाज, या फिर लोगों की कम इल्मी उनसे करवाती है ऐसे काम? जितना आपने बताया उससे मुझे लगता है कि जैसे ये कन्वर्जन डिसऑर्डर हम इसे कहते हैं, वो ज़्यादातर ख़वातीन में बल्कि जवान लड़कियों में पाया जाता है। आप समझ लें एक एंग्जाइटी की, घबराहट की बीमारी की एक शदीद कैफियत कह लें। ज़्यादातर ये घरेलू मसले, परेशानी की वजह से होता है, या सख्ती हो किसी किस्म की, ज़बरदस्ती शादी कराई जा रही हो, माँ बाप बहुत सख्त हों, बात बात मारते हों, तो समझें ये जानबूझ के नहीं करता वो बंदा, अनकॉन्शियसली उससे ये हो रहा होता है कि उसमें जैसे आपने बताया कि झटके भी पड़ते हैं, बेहोशी के दौरे भी पड़ते हैं, अजीबोगरीब हरकतें भी करते हैं, और मरीज़ को याद भी नहीं होता, और जब उठता है तो उसमें घबराहट रहती है और ये सब। तो कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं, इसमें कोई जिन भूत वगैरह नहीं चढ़ता, बल्कि अलबत्ता ये है कि हमारी आवाम ये समझती है कि जैसे जिन चढ़ गया है इसमें, कभी तो ठीक होती है, कभी जिन आ जाता है और ऐसी हरकतें करने लगती है। कहते ये हैं कि दिमाग में कुछ केमिकल्स हैं जिनकी ऊंच नीच हो जाती है, इसकी वजह से ये बीमारियां हो जाती हैं। तो हम ऐसी दवाइयां देते हैं कि अगर केमिकल ज़्यादा हो तो कम कर दें, केमिकल कम हो तो ज़्यादा कर दें, उस बराबर सतह पे ले आए। तो इसके अंदर दवाइयों से भी इलाज किया जाता है और बातचीत से भी इलाज किया जाता है, जिसको साइकोथेरेपी कहते हैं हम। इस बीमारी में ख़ास तौर पर साइकोथेरेपी बहुत ज़रूरी होती है। एकाश जाली आमिल का निशाना बनने से पहले ये लोग एक दफा किसी साइकाइट्रिस्ट को भी चेक करवा लेते तो ये नौबत ना आती। कैसे जाली आमिल ने जुल्म की इंतहा की, इंतहाई हौलनाक है ये इंकशाफ। जब उन्होंने ये कहा कि मैं इन पे जो भी जो उसके मुताबिक और आपके मुताबिक भाई इन पे जिन्नात आते हैं और जिन्नात का साया, तो फिर कैसे, क्या उसने ऑफर किया कि वो कैसे निकालेगा? सर उसने ये कहा कि मैं, ये मेरा तजुर्बा है, मैं उमरकोट में रहता हूँ, वहाँ पे जो मंदिर है उनके साथ मेरा ये वास्ता है। अच्छा। मंदिरों में मैं पढ़ाता रहता हूँ, ये जो मुसलमानी वाला काम है ये नहीं इसे होगा, ये जो इसको फ़कीर है ये हिंदू है, और हिंदू वाला काम मैं करता हूँ, और मेरा जो बैकग्राउंड है वो इसी तरह मंदिरों में गुजरा है। अच्छा, ये काम उसने कहा कि इन पे जो जिन आया हुआ है वो हिंदू जिन है। अच्छा। आप लोगों को पता नहीं चल रहा, ये मेरे इल्म में बता रहा है, और ये काम मैं यूँ करूँगा। असल में कोई मतलब वो पीर वगैरह नहीं था, उसके अंदर को मतलब को ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, वो तो मैंने भी कहा दो चार मंत्र जानता था जिसकी वजह से लोगों को बेवकूफ़ बना सके, उसके बाद इन लोगों को परेशान करने सीधे साधे लोग वो जाली बंदा था, दो नंबर आदमी था, उसका जो नेचर जो था वो नेचुरली मतलब उसका जो जहन गलत जहनीत का आदमी था,
मतलब उसके जहन में उल्टी सीधी बात है। वो जो दूसरी छोटी हमारी भतीजी है वो एक दिन रात को उसको पता था कि इसके मोबाइल अक्सर वो यूज़ करती क्योंकि उनके पास ट्यूशन पढ़ती थी, तो उसकी बेगम को काफ़ी सारे बच्चे जब बात करते हैं तो पता चल जाता है। उसको एक दिन रात को 2 बजे फ़ोन करके बोला 2 मिनट गेट पर आओ, तो ये भाई सो रहे थे क्योंकि गाड़ियाँ पार्क करके गेट बंद करके ताला लगा के ये बाहर लेट जाते हैं, जगह नहीं होती, गाड़ियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। तो बच्ची रात को 2 बजे निकलती है अपने कमरे के गेट से और गेट तक जाती है, तो भाई की आँख खुल गई, भाभी ने उठाया कि भाई वो बाहर जा रही है, कौन आया कौन नहीं, एकदम से आवाज़ लगा के बच्ची को वापस बुलाया, गेट खोला तो ये खड़ा था। तो भाई क्या बात है, बोला कुछ नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो असल में मेरे को अपने इल्म के ज़रिए ऐसा कुछ पता चला यहाँ पर कुछ मसला हो रहा है तो इसलिए मैंने बुलाया था, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्ची को वापस करा, दोबारा ताला लगाया। उसके बाद कुछ दिन ये मामला होने के बाद इनको मतलब तरह तरह से परेशान करता रहा। नाम निहाद आमिल ने कैसे कमसिन लड़की पर उसके घर के अंदर तोड़े अजियतों के पहाड़, जिनको जलाने के लिए कैसे लड़की को जला डाला। दोनों हाथों से पकड़कर वो घसीटते हुए इस कमरे से क्लोज होकर हाल में लेकर गए। ये जिन तभी निकलेगा जब लड़की मुझसे शादी करेगी। जाली पीर कैसे हदे फलांग गया। टीम इंकशाफ मुलजिम के घर के बाहर पहुंची तो हुए कौन कौन से तहलका खेज इंकशाफात। सिंदूर था और एक नांगमणि थी, वो एक सिंदूर लगा था उनके ऊपर और बाल थे चारों तरफ से। ये सब दिखाएंगे आपको लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कभी अपना खून तो कभी शराब, शैतानी हरकत। आधा गिलास शराब उसको पिलाई, उसको पिलाई, फिर गिलास तोड़ा, फिर उसके अपने खून निकाला, फिर उसको बच्चों को खून पिलाया। जिनको जलाने के लिए आमिल ने लड़की को जला डाला। मैंने बहुत जबरदस्ती की अपने हाथ चूल्हे से ऊपर उठाने के लिए, लेकिन उसने क्या किया कि मैंने दोनों जो हाथ थे वो तकरीबन 2 मिनट के लिए हाथ चूल्हे में थे मेरे। टीम इंकशाफ को इंटरव्यू देने वाला कौन, मुतासरा लड़की या जिन। घबराहट होने शुरू हो जाती है, उसके बाद इतनी घबराहट हो जाती है कि बस चीखे मारने को दिल करता है, कभी करता है कि मैं किसी को मार दूं। जिन्नात के असरात क्या होते हैं, किसी बीमारी के आसार। ऐसा लगता था जैसे मैं एक अंधेरे कमरे में अकेला बैठा हूं बस। ये उसी पार्किंग में मौजूद हैं और यहां पर वो घर है जहां पर हमीद साहब उनकी फैमिली मुकीम है, और यहीं पर ये अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां पर उस इंसान ने बच्ची को जिन निकालने के बहाने जलाने की कोशिश की, इस फैमिली को जदोकोप किया, डराया और पता नहीं क्या क्या उनको कहकर उन्हें टॉर्चर किया। अंदर चलते हैं और बताते हैं कि एक्चुअल उस दिन सारा हुआ क्या था, उस दिन यहाँ पर क्या एक्टिविटी उसने की थी। ये हम यहाँ बैठे होते तो कहते आप यहाँ बैठो, अंदर नहीं आओ। हमारी बच्चियाँ बैठी थी यहाँ आके वो अपनी पढ़ाई शुरू करता था, बच्चा यहाँ खड़ा होता था और वो यहाँ बच्ची हमारी यहाँ बैठी होती थी, यहाँ पे बैठ के वो पढ़ता था। कभी कह रहा है कि अंडे भी ले आओ, अगरबत्ती ले आओ, सारा सामान ले आओ, वो भी सब कुछ करते थे और अपनी पढ़ाई शुरू करता था। फिर मार्केट आई, सारा चीखना ये वो सारे बच्चों का, खुद को यहाँ पर वो बैठता था और उसके बाद बच्ची सामने बैठी होती थी, बच्ची सामने बैठी होती थी, ये यहाँ बैठा था, दूसरा जो लड़का शहजाद नाम था वो यहाँ खड़ा कुरान पढ़ा, उसको बोला आप दूर बस ये पढ़ते रहो। वो क्या कहता था जब उसने पहले भी पढ़ाई की, उसने क्या कुछ मंगवाया आपसे। उसने कहा बस 2 अंडे लाओ, अगरबत्ती लाओ, ये खुशबू में रखता हूँ, और जो एक दरबार है उसका जो उसकी चादर है वो उसके बच्ची के सिर पर डाली और उसने अपने पढ़ाई शुरू की। फिर वो अपने हिंदी जबान में पढ़ता था। वो जो पढ़ाई करता था जिन निकालने के लिए वो कितनी देर तक चलती थी। 15 मिनट 20 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तक, और ये 4 दिन लगातार। हाँ हाँ, और जब हम अंदर आए तो करा के अंदर कोई, वो सामने दरवाज़ा वैसे कभी कभी खुलता था और बच्चा अंदर पड़ता, हम सामने खड़े होते थे, बोला जब कोई चीज़ जरूरत हुई तो मैं आप लोगों से मांग लूँगा। और आपको उस वक्त पूरा एतकाद था कि वो जो कर रहा है ठीक कर रहा है। ठीक कर रहा है, लेकिन वो जब यहाँ पे गिलास तोड़ा, इस जगह पे गिलास तोड़ा और खुद लेटा हुआ था, गिलास तोड़ा और अंगुली से खून निकाला, तो दूसरी बच्ची जो थी वो तो सही थी, उसको पिलाना शुरू कर दिया। मैंने बोला इसको क्यों पिला रहे हो, बोला इसको भी है, इसको कहाँ से हो गया भाई हमारा, मैं सफ़ेद दाढ़ी हुई, मेरे बच्चे मेरे कंधे तक बड़े हो गए, मैंने पाले हैं, आपको कैसे पता चला। बोला नहीं मैं आपको पता ही नहीं चला, ये इसको भी है, तो उसको खून, बच्ची को अपना खून पिला रहा है, अपना खून पिला रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि वुरसा पर बाद में हुआ ये इंकशाफ कि अमल के इन 4 दिनों के दौरान एक दिन पहले भी
ये कर चुका था एक और शर्मनाक काम। तो जो लड़का जो इसके साथ पढ़ने के लिए आता था तो हमारे सामने लोगों के सामने उसको एक बंदे ने बाहर से दरवाज़ा दस्तक दी। उसने कहा कि बंदे ने कॉल किया मैं आ रहा हूँ। जैसे दरवाजे पे गया तो किसी ने उसको एक थैली में शराब दी, जिसको सिंधी में हम कहते हैं ठरो, कच्ची शराब। अच्छा कच्ची शराब। बस उन्हें बोला ये ठरो है, आप उसको नहीं समझते हो, ये बहुत असरदार चीज़ है। उसने बच्चों दोनों को आधा गिलास, इसको आधा गिलास, दूसरी बच्ची को, उसको बोला कि इसको भी फकीर है, मैं इसको भी सीधा करता हूँ। मैं उस आधा गिलास को शराब उसको पिलाई, उसको पिलाई, फिर गिलास तोड़ा, फिर उसके अपने खून निकाला, फिर उसको बच्चों को खून पिलाया, तो हमारा दिमाग ख़राब हो गया। ये कब हुआ था जब जो शराब पिला के खून पिला रहे, किस दिन की बात है? जिस दिन ये बच्चे के हाथ जलाए उससे एक दिन पहले, यहीं पर। यहीं पर एक जो जिससे हम नूरानी कुरान पाक पढ़ाते थे, जब उससे मेरा रابطہ हुआ तो उसने बोला भाई ये तो जादू वाला काम है, ये तो आपको तो गुमराह कर रहा है, ये तो हमारे किसी किताब में नहीं है। तो उसको मैंने बुलाया, वो जब आया तो उसने, उसका मोहम्मद अली नाम है, अल्लाह का कुरान पढ़ता है, बहुत अच्छा नेक बंदा है, नमाजी बंदा है। तो उसने बोला बाबा अल्लाह का कुरान ही पढ़ो, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ये तो सारे जो ना जादू है, वो काले जादू का सिलसिला है। हाँ ये सारे। उसको मैंने बोला सर ये सर नाम लिया, नांग मनी उसके पास, शीश नांग का सामान लिया, मोर के पर वगैरह लिए, और पता नहीं कैसी चीज़ें, हड्डियाँ वगैरह सारा कुछ। उसने बोला बच्चे ने बोला शहजादा ने सारी चीज़ें यहीं लेके आता था। नहीं सर, वो जो लड़का पढ़ता था ना, बोला ये इसके हमारे घर में आएगा तो मैं दिखा दूंगा। अच्छा ना, वो उसके भी जहन में एक जो एक काले जादू के हवाले से उसने अपना जहन बनाया हुआ था, जिसने फिल्मों में देखा कभी फलानी खोपड़ी, फलानी हड्डी, सिंदूर और मोर के पर और नागमणि और पता नहीं शीशनाग, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उल्टी सीधी, और ये वो है जो हम फिल्मों में देखते हैं। तो इस तरह का ये जादूगर था, जो कि जादूगर भी जाली जादूगर था, पीर तो खैर मैं कहूँगा नहीं, जाली पीर भी नहीं कहूँगा, जाली जादूगर था। और जो फिल्मों में चीज़ें देखते रहे उसको अपने जहन में बिठा के कभी किसी को खून पिला रहा है, कभी कच्ची शराब पिला रहा है, इस तरह की हरकतें कर रहा था। उस दिन क्या हुआ जब उसने जलाया यहाँ पर? हाँ तो उस दिन बस यहाँ से इसको बच्चे को बांधा, आँखों सर पे कपड़ा दे, हिना को बुलाया, हिना बताएगी। चौथे दिन क्या हुआ? चौथे दिन में यहीं पर थी, ठीक है, यहीं पर थी। उसने यहाँ पर भाई शहजाद को जो उनके साथ था, उनके साथ उनको लाए, वो भी बीच में बैठा था, मैं उस जगह बैठी थी, और वहाँ ये जो है अदा मोहम्मद अली ये यहाँ बैठे, सॉरी अदा अख्तर अली वो यहाँ बैठे थे उनके साथ। बस उसने वो पढ़ाई की और मुझे पता नहीं मेरे क्या क्या कैफियत हो गई। आपको जब होश आया, आप उस कैफियत से निकले? जब मुझे होश आया तब मैं इस जगह बैठी हुई थी और नीचे गिरी हुई थी, ये जो सिलेंडर था मेरे आगे यहाँ जल रहा था और मैं उनसे कह रही थी, और वो यहाँ खड़ा हुआ था, यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ, और मैं उनसे कह रही थी कि मैं हूँ, तो उसने नहीं सुनी, मेरे सिलेंडर को साइड में किया। उस वक्त आपको वो आग लगा जलाने की कोशिश की थी, उस वक्त सिलेंडर जला के नहीं, अभी नहीं जलाया था उसने, जलाया नहीं था, ठीक है। तो जब मैं अपने होश में आई थोड़ा, तो मैंने उससे यही कहा कि भाई अली मैं हूँ, तो उसने कहा कि नहीं आप नहीं हैं, आप ड्रामा कर रही हैं, आपके साथ कैफियत है। और मैंने सबको आवाज़ दी कि मैं हूँ, उसने कहा कि नहीं ये ड्रामा कर रही है। अच्छा अब आप यहाँ पर वो सिलेंडर लेके आ गया जी, आपको सुख पता था कि वो आपकी बच्ची को जलाने के लिए हाथ गर्म करूँगा, ये भाग जाएगा। आप लोग यहाँ पे खड़े थे या सब खड़े देख रहे थे? सारे इसी तरह खड़े थे, ठीक है। हाँ तो उसने बोला ये ड्रामा कर रहा है, आप छोड़ दो मेरे इल्म को, गाफिल नहीं करो। वो पकड़ा घिसड़ के यहाँ से ले जा, ये दोनों हाथों में, दोनों हाथों से पकड़ कर वो घसीटते हुए इस कमरे से क्लोज होकर हॉल में लेकर गए। बाहर हॉल में इसने लड़की पर जो जुल्म किया वो जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसे कमसिन लड़की को आग में झोंक दिया गया? टीम इंकशाफ जब इस आमिल के घर के बाहर पहुंची तो वहां हुआ क्या इंकशाफ? ना सोच पाता था ना समझ पाता था, ऐसा लगता था जैसे मैं एक अंधेरे कमरे में अकेला बैठा हूं बस। टीम इंकशाफ ने जाली आमिल से राब्ता किया तो मिला क्या जवाब, ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कभी अपना खून तो कभी शराब, शैतानी हरकत। आधा गिलास शराब उसको पिलाई, फिर गिलास तोड़ा, फिर उसके अपने खून निकाला, फिर उसको बच्चों को खून पिलाया। जिनको जलाने के लिए आमिल ने लड़की को जला डाला। मैंने बहुत जबरदस्ती की अपने हाथ चूल्हे से ऊपर उठाने के लिए, लेकिन उसने क्या किया कि मैंने दोनों जो हाथ थे वो तकरीबन 2 मिनट के लिए हाथ चूल्हे में थे मेरे। टीम इंकशाफ को इंटरव्यू देने वाला कौन, मुतासरा लड़की या जिन? घबराहट होने शुरू हो जाती है, उसके बाद इतनी घबराहट हो जाती है कि बस चीखे मारने को दिल करता है, कभी करता है कि मैं किसी को मार दूं।
जिन्नात के असरात क्या होते हैं, किसी बीमारी के आसार? ऐसा लगता था जैसे मैं एक अंधेरे कमरे में अकेला बैठा हूँ बस। जाली आमिल ने कैसे लड़की को आग में झोंक दिया, ये दर्दनाक इंकशाफ तो दिखाएंगे आपको। तहम जब हकायक की खोज में टीम इंकशाफ इस जाली आमिल के घर के बाहर पहुंची तो वहां भी कई होश उड़ाने वाले राजों से पर्दा उठा। ये वो घर है जहाँ पर अख्तर अली जो है वो कुछ अरसे पहले यहाँ पर उसने किराए पे जगह ली, कुछ अरसे से यहाँ पे मुकीम था। यहीं पर उसकी जो वाइफ है और उसने मिलके एक कोचिंग सेंटर भी शाम में बनाया हुआ था जहाँ पर बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आते थे। और क्योंकि ये आप देख सकते हैं गलियाँ इतनी खुली नहीं हैं तो वो अपनी गाड़ी इनकी पार्किंग में पार्क करता था, उसके बाद आता था तो उसकी नज़र वहाँ पर इनके बच्चों में पड़ी। उसने फिर इनसे कहा कि भाई अपने बच्चों को मेरे पास ट्यूशन वगैरह के लिए भेजें। और फिर जैसे आपको हमने सारा सिलसिला बताया कि यहाँ पर बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए भी आते थे और यहीं उसने अंदर अजीब व गरीब चीज़ें भी रखी हुई थी और उन पर जादू का या तो ढोंग रचाता था या वो जादू करता था, अजीब व गरीब इल्मियात पढ़ता था। और उसके बाद उसने फिर बाद में कन्विंस किया इनके बाकी फैमिली को भी कि वो भी यहाँ पर आए, मैं इनका इलाज करूँगा। तो आप जब बच्चों को यहाँ पर छोड़ा तो आपके बच्चों ने कोई बात बताई कि अंदर कोई अजीब चीज़ें हैं? ये सर अजीब चीज़ें हैं और इस तरीके से नज़र आ रही है बेटा अबू, सिंदूर भी हमें लगाया वहाँ भी खिला रहा है और यहाँ नज़र आ रही है बेटा अबू। हमने बोला बेटा छोड़ दो अब उसको फिर। अच्छा, आप क्योंकि आपका ऐसी चीज़ों पर एतकाद था, ठीक है, क्योंकि सुनते हैं दुनिया के मानते थे, तो जब वो ऐसी बातें करता था कि मैं आपको जादू से तबाह कर दूंगा, मैं ऐसी चीज करूंगा कि आपकी बच्चियों की शादियां नहीं होंगी, फलाना नहीं होगा, तो क्या क्या धमकियां क्या देता था? धमकियां ये था कि बस इतना मेरे को पावर है, कोई बुझेगा कोई गोली मारे तो गोली नहीं मार सकता। तो फिर मैंने मालिक के मकान जो है उसको मैंने रब्ता किया कि भाई जान आप हम यहाँ गोठ में बहुत पुराने बैठे हैं, ये किराएदार है, आज नहीं तो कल। और सही तो गाड़ी उसके पास थी कौन सी, क्योंकि जो घर यहाँ पर रेंट पे लिया ये तो मुझे ऐसा घर नहीं लग रहा। नहीं सर, वो गाड़ी सनी कार थी उसके पास, वो हमारे पार्किंग में होती थी। अच्छा, उसने गाड़ी तो अच्छी रखी हुई तो घर उसने यहाँ पर क्यों लिया? ये तो खुदा जानता है उसके बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं। यही बात थी कि वो हो सकता कहीं से फरार होके अपने आप को छुपाने के लिए, क्योंकि ये कराची का बड़ा ही एक पहलवान गोठ से भी आगे का इलाका है जो कराची के इलाके से वाकिफ है। ये एक गोठ में आती है ये जगह, यानी कराची के मुजफ्फात बाहर का इलाका है ये। और वो अगर उसके पास गाड़ी है, उसका रहन सहन अच्छा है, खाता पीता इंसान है, तो फिर आकर इस तरह के घर में वो क्यों रहेगा? इसका मतलब ये है कि पीछे भी वो कोई ऐसा चांद चढ़ा के आया था, कोई ऐसी हरकत करके आया था कि वो रुपोश हुआ हुआ था। एक्चुअली वो यहाँ पर रह नहीं रहा था बल्कि रुपोश था। अभी सारा क्या मामला है अगर हमने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने जैसे कि हमको बताया, पहले ही बताया कि हमारी टीम के जो मेम्बर थे उनका उसने फ़ोन बंद कर दिया। और अभी हम रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ा आप यहाँ पर आइए, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं टीम इंकशाफ के। रज़ा, क्या आपके सामने हकीकत सामने आई, कहाँ है ये बंदा, क्यों, और आपने जब इससे रابطہ किया तो इसने क्या कहा आपको? इनसे जैसे ही मैंने रابطہ किया, अपना तारुफ भी करवाया सारी चीज़ें और उनको सब केस बताया कि इस तरह की सारी चीज़ें हैं, तो आपका मौके भी लेना है क्योंकि एक तरफ का मौके सही बात नहीं है, आपका मौके फिर आप बाद में लोग शिकवा करते हैं कि हमसे बातचीत नहीं की गई। तो पहले वो काफ़ी जो है ना हाइपर हो गए कि मतलब आपने नंबर कहाँ से लिया और मुझसे रابطہ करने की कोशिश कैसे की, और मैं सिम पे आपसे बात नहीं करूँगा, आप जो है ना मुझे व्हाट्सएप पे मेरे साथ आए, मैं आपको बताता हूँ। फिर व्हाट्सएप पे कॉल की उन्होंने, फिर पूछ रहे मुझसे, उल्टा उन्होंने मुझसे ही तफ्तीश शुरू कर दी कि आपको कैसे पता चला और कैसे। मैंने कहा ये तो सारा सिलसिला पता चल गया है और सारी चीज़ें इस तरह की आपके खिलाफ हैं सारी चीज़ें, तो आप मुझे खाली मौके के लिए आपने टाइम दे दें। तो वो कहने लगे नहीं, मौकिफ तो जो देना है मैं आप कर लूँगा, उनके ख़िलाफ़ मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ और मैंने जो है कानूनी रास्ता अपनाया है और मैं आपको एप्लीकेशन शेयर कर देता हूँ। और उसके बाद जो है उन्होंने एप्लीकेशन शेयर की, उसके अंदर एप्लीकेशन में यही था कि जो ये दूसरी पार्टी है ये उनको ब्लैकमेल कर रही है और मुख्तलिफ चीज़ों से जो है मतलब वो पैसे पहले भी ले चुके हैं। और ये तो कैसे ले चुके हैं, ब्लैकमेल किसी बात पर करेंगे ना, कोई ऐसे काम आपने किया है तो ब्लैकमेल हो सकता है, तो किस बात पर वो कहते हैं मुझे ब्लैकमेल? वो कह रहे थे कि ये बच्चे इनके ट्यूशन हमारे पास पढ़ते थे और एप्लीकेशन में जो उन्होंने दिया है थाने में कि बच्चे पढ़ते थे और मुख्तलिफ जो है ना रोज़ाना कभी खाना नहीं है हमारे, हमें पैसे दे दें, और कभी हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर लेने जा रहे हैं तो हमारे लिए कभी मोबाइल नहीं है, तो वो फरमाइशें करते थे और इस तरह वो कहते थे कि मेरे से 10,000 रुपये से ज़ायद जो है वो ले चुके हैं। इतने लोग स्कूलों में पढ़ाते हैं कि स्कूल में कोई बच्चा आके ये कह के मेरे घर में ये नहीं है, तो ये तो स्कूल वालों की जिम्मेदारी तो नहीं है कि ना पैसे दे, तो वो क्यों देता था अगर उसने ये चीज़ें दी भी हैं तो क्यों दी? जी बिल्कुल, यही मैंने उनसे सवाल किया था लेकिन वो कोई इस तरह का जवाब दे ही नहीं सके, तो उनको यही कहा था कि आपका जो मौकिफ है आप हमारे साथ आके शेयर करें ताकि जो है असल हकाइक सामने आ सकें। लेकिन उसके बाद से उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, फिर मैं दूसरे नंबर से उनसे रابطہ करने लगा तो वो मुझे कहने लगे कि आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, मैसेज वगैरह किया। उसके बाद उन्होंने किया कि आप मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे हैं और अगर आप दोबारा कॉल करेंगे तो मैं आगे किसी से बात करूँगा आपके लिए। और इसमें जो पुलिस का रोल है वो भी काफ़ी कमज़ोर रोल है क्योंकि पुलिस SHO एयरपोर्ट मूसा कलीम से ही मेरी बात हुई थी, तो वो तो ये कह रहे थे कि ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं है, क्योंकि आपके सामने ही है कि एप्लीकेशन भी रिसीव
हुई हैं और सारा सिलसिला, और इनको 15 की इतला पर उनको बुलाया भी गया सारा, लेकिन वो तमाम तर चीज़ों से इंकारी हैं और उनका ये कहना है कि इस तरह कोई वाकया नहीं हुआ, लेकिन तमाम तर चीज़ें सामने हैं और जो मुलजिम है जिस पर तमाम तर एलिगेशन है वो सामने नहीं आ रहा है, ना पुलिस के सामने आ रहा है और ना इनका सामना कर रहा है। मुलजिम अब किसी का सामना नहीं कर रहा और पुलिस भी इस केस को मामूली समझकर इसकी फाइल क्लोज करने के चक्कर में है। लेकिन यह मामला है किस कदर हौलनाक। मैं जिन नहीं हिना हूं, लड़की चीखती रही लेकिन आमिल ने क्यों ना सुनी फरियाद। लड़की को जलाने के बाद अपना जुर्म छुपाने के लिए कैसे खुद करता रहा उसका इलाज, ये सब दिखाएंगे आपको। लेकिन पहले एक और तहलका खेज इंकशाफ। इस वक्त मेरे साथ वो बच्चा मौजूद है, जब वो अपना कोई भी अमल करने के लिए अख्तर जाता था तो इस बच्चे को साथ लेके जाता था। क्या नाम है बेटा आपका? शहजाद। शहजाद, कब से आप जानते थे इसको, अख्तर को? 3 महीने हुए। तो उसने आपको मुंतखब किया कि आप कुरान पढ़ा, तो कैसी बातें करता था वो? एक अजीब सी बातें करता था कि बस ये मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा, ऐसे बड़े ट्यूशन में दाखिल करूंगा, ये करूंगा। तो मैंने अबू को कहा था, अबू ने बोला बस छोड़ दो, तो हम लोग ऐसे ही पढ़ते थे, फिर इसने मुझे निकलवा दिया था खुद ही। तो आपने, आप हाफिज़े कुरान हो? नहीं, मैं नाजरा कर चुका हूँ। तो वो क्या अमल क्या करता था उस वक्त जब वो बैठा होता था? वो पता नहीं, खुद दिल में अमल करता था, कभी मुंह से बोलता नहीं था। मतलब तो जब वो इनके घर में अमल करता था तो क्या एक्टिविटी करता था? बस चारों तरफ घूमता रहता था। सोच के बताओ क्या होता था उस, आप क्या देखते थे उस वक्त वहाँ पे मंजर? मेरी आंखें बंद होती थी, मतलब एक तरह की मैं कुछ नहीं, ना सोच पाता था ना समझ पाता था। वो जो काला जादू था उसकी वजह से बंद थी, तो हमारा एक मौलवी है उसकी वजह से मैं सही हुआ। अच्छा, आप कह रहे हैं आप पे भी काला जादू कर दिया था? जी। नहीं तो जब आप कुरान तो पढ़ रहे होते थे वहाँ पे? जी, कुरान तो पढ़ रहा था। तो लेकिन आप देख नहीं रहे होते थे, बस आप बस कुरान पढ़ रहे हो? मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था, मतलब ये क्या कर रहा है। एक तरह ऐसा लगता था जैसे मैं एक अंधेरे कमरे में अकेला बैठा हूँ बस, और कुछ नहीं हो रहा। जब आखिरी दिन, चौथे दिन जब वो अमल कर रहा था वहाँ पे, जी, जब उसने चूल्हा मंगवाया था उस वक्त वहाँ मौजूद थे? जी। मैं उसने क्या कहा कि मैं क्या करूँगा? उसने कहा कि मैं इसको जलाऊंगा फिर ये निकलेगा। तो उसने जलाया, जब वो जल गई, वो चीखे मार के रो रही थी, तो हमारे को यही बोल रहा था, मेरे को भी ये बोल रहा था कि जिन यहाँ से निकला है इसका। हालांकि उसके पूरे हाथ जले हुए थे, मैंने खुद देखे थे, मेरी आंखों के सामने उसने रखा था, तो बोल रहा था ये जिन निकले हुए। ये जो जख्म हो रहे हैं बेसिकली, जो आबले पड़ रहे हैं वो जिन है? हाँ, वो जिन निकल गए उसमें से, फाड़ के निकला उसको। कैसे जिन को जलाने के लिए लड़की को जला दिया गया, ये दर्दनाक इंकशाफ जब हम आपको पूरी तफसील के साथ दिखाएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आप उसके घर पढ़ने भी जाते थे? जी। तो उसके घर में आपने कोई अजीब गरीब चीजें देखी, कुछ देखा? जी देखा था। क्या था? सिंदूर था और एक नागमणि थी, और दो वो एक सिंदूर लगा था उनके ऊपर और बाल थे चारों तरफ से। तो वो उसने आपको भी कोई चीज दी, खाने पीने को कुछ किया आपको? नहीं, मेरे को दी थी, मैं दूर हट गया था। क्या दिया था आपको? नागमणि। क्या कहते, खा लो इसको? वो बोल रहे थे इसको हाथ में उठा, मैंने बोला मेरे को नहीं चाहिए। लेकिन फिर उसके साथ क्यों जाते थे? उसने जादू किया था मेरे ऊपर, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरे को कैसे लेकर जा रहा था ये भी नहीं पता था मेरे को। सर, इनको पता चला ना, इनको पता चला तो इसके बाद मेरे पास आया, तो कहने लगा भाई आप तो हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन मुझे तो अब पता चला है कि राबिया सिटी में एक ट्यूशन सेंटर पकड़ा है और 30,000 तनख्वाह मिल रही है, 10,000 ये लेगा, 20,000 मैं लूँगा। इसके बाप को उसने एक गुमराह किया, एक बात पे डाउट कर दिया, यानी तो उसने उसको अपने एक असिस्टेंट बनाया हुआ था कि ये मैं कहीं फिर, अमल फिर, करने जाता हूं तो बच्चा मेरे साथ होता है। जी हाँ, और फिर उसने जब इनकी जब ये बात चली कि भाई यहाँ बच्चे जले हैं, मेरे बच्चे को भी गुमराह किया, तो उसके बाप ने इसको मना कर दिया है पड़ोस में, साथ में दराज है। लेकिन और ये कब भागे, कब यहाँ से आपको पता चला शहजाद, जब यहाँ से भागे ये लोग? जी, जब इन्होंने जब टेलीकास्ट हुआ था न्यूज़ का, तो उसी रात को भागे थे, 9 बजे रात को भाग गए। सामान वामान निकाल के ट्रक आया था? हाँ, ट्रक आया था, चले गए। चले, कुछ नहीं पता कहाँ गए? नहीं, कुछ नहीं पता मेरे। मुबैना मुलजिम का कुछ पता नहीं, लेकिन उसके भागने की वजह जो वाकया बना उसे जानकर कलेजा मुंह को आ जाता है। मैंने बहुत जबरदस्ती की अपने हाथ चूल्हे से ऊपर उठाने के लिए, लेकिन उसने क्या किया कि मैंने दोनों जो हाथ थे वो तकरीबन 2 मिनट के लिए हाथ चूल्हे में थे मेरे। इस लड़की के साथ इस जल्लाद ने जो जुल्म ढाया, जिन को जलाने के लिए जैसे लड़की को आग में झोंक दिया, ये सब दिल दहला देने वाले हकायक दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो
कभी अपना खून तो कभी शराब, शैतानी हरकत। आधा गिलास शराब उसको पिलाई, उसको पिलाई, फिर गिलास तोड़ा, फिर उसके अपने खून निकाला, फिर उसको बच्चों को खून पिलाया। जिनको जलाने के लिए आमिल ने लड़की को जला डाला। मैंने बहुत जबरदस्ती की अपने हाथ चूल्हे से ऊपर उठाने के लिए, लेकिन उसने क्या किया कि मैंने दोनों जो हाथ थे वो तकरीबन 2 मिनट के लिए हाथ चूल्हे में थे मेरे। टीम इंकशाफ को इंटरव्यू देने वाला कौन, मुतासरा लड़की या जिन? घबराहट होने शुरू हो जाती है, उसके बाद इतनी घबराहट हो जाती है कि बस चीखे मारने को दिल करता है, कभी करता है कि मैं किसी को मार दूं। जिन्नात के असरात क्या होते हैं, किसी बीमारी के आसार? ऐसा लगता था जैसे मैं एक अंधेरे कमरे में अकेला बैठा हूँ बस। लेकर गए यहाँ तक मैं पहुँची, यहाँ तक मैं पहुँची, मेरे वालिदिन जो वो पीछे खड़े हुए थे, वो आवाज़ दे रहे थे कि मेरी बेटी है, आप इसे छोड़ो, मेरी बेटी है। यहाँ तक मैं पहुँची, यहाँ से बकरी चिलाना शुरू हो गई, मैं यहीं थी। अच्छा, घर में बकरी थी, वो चीखना शुरू हो गई। हाँ, वो चीखना शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि नहीं, इस बकरी को यहाँ से हटाओ, वो भी इस इल्म के जरिए वो भी मर जाएगी, इस बकरी को भी यहाँ से हटाओ। उसके बाद बकरी को हटाया गया। क्या कैफियत है, आपको एक इंसान घसीटता हुआ लेके जा रहा है आपके घर में और आपको जलाने के लिए लेके जा रहा है? हाँ, तो जाहिर बात है मैं नॉर्मल थी बिल्कुल, मैं तो अपने लिए तो करूंगी ना, चीखे मारूंगी, अपने लिए तो बेहसाब मैं करूंगी। उसके बाद वो मुझे यहाँ से घसीटते हुए लेकर गए। उसके बाद ये जो हमारा चूल्हा है आप देख रहे हैं, वो नीचे जला हुआ था, और ये यहाँ जला हुआ था, यहाँ चारपाई थी, ठीक है। उसके बाद जो है उसने मुझे ज़बरदस्ती चूल्हे में डाले। मैंने बहुत ज़बरदस्ती की अपने हाथ चूल्हे से ऊपर उठाने के लिए, लेकिन उसने क्या किया कि मैंने दोनों जो हाथ थे वो तकरीबन 2 मिनट के लिए हाथ चूल्हे में थे मेरे। और उसके बाद यहाँ पर मैं चिल्लाई थी, तड़पी, बहुत तड़पी, चिल्लाई, और ये कहा कि मामा कहाँ थे आप? देख, मैं खड़ा था, मैंने बोला वो मेरे नाम ले रही, बाप का नाम ले रही, हमें रोना आ गया, मेरी वाइफ ने रोना, मेरे बच्चों ने इधर रोना शुरू कर दिया, तो वो कह रहा है कि आप लोग क्यों हो रहे हो, हमारे इल्म में गफलत हो रही है, आप लोगों को पता है नहीं, इसने ज़बान चेंज की हुई है। उस शहजाद को भी बोला गया कि बेटा आप भी साइड पे हो जाओ, मेरे वालिदिन को भी बोला गया कि आप दूर हट जाओ और मेरे इल्म में कोई नहीं आए। उसके बाद मैंने अपने हाथ भी जोड़े कि भाई मैं हूँ, मुझे अम्मी की कसम, मुझे अपने अब्बू की कसम, मामा चाचा मैं हूँ, और लास्ट में मेरे अल्फाज ये थे कि भाई अली अख्तर मैं हूँ। उसने 3 बार बोला कि नहीं, मेरा नेम 3 बार लो। फिर भी मैंने उसका नाम 3 बार लिया कि भाई अली अख्तर मैं हूँ, भाई अली अख्तर मैं हूँ। फिर भी जब तक मैंने 3 बार नहीं बोला तो मेरे हाथ चूल्हे से उसने नहीं निकाले, और अभी भी आप देख रहे हैं कि अभी तक मेरा घाव है जिसका इलाज अभी तक चल रहा है, लेकिन मैं मुकम्मल तरह से ठीक नहीं हुई हूँ, अभी भी मुझे बहुत तकलीफ है। ये लड़की उस वक्त किस कदर तकलीफ में होगी, उसके जले हुए हाथों को देखकर बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। मेरी वाइफ ने भागी आगे, तो फिर मैंने जार भर बेटे हैं, बच्चे हैं, फिर मैं बिल्कुल रोने लगा, मैंने अपने आप को काबू नहीं कर सका, तो मैंने जैसे गया उसको धक्का दिया, तो जाके ये आगे गिरा, फिर बच्ची को उठाया, सीधे में गोद बिठाया, इसी जगह पे चरपा पड़ी थी, तो इधर आते उसे रोने लगी बहुत, तो फिर हम उसको फिर अंदर ले गए सोफे पे, तो चारपाई पड़ी थी वहाँ पर, मुझे पहले सबसे पहले जहाँ से उठाया अबू ने, जैसे यहाँ चारपाई बिठा दिया, हाँ यहाँ चारपाई थी, अबू ने मुझे यहाँ सुलाया, ठीक है। मैं इतना तड़प रही थी, मेरी जो चीखे थी वो तो अरिश पे जा रही थी, डॉक्टर पास नहीं ले गए आपका हाथ। उसने क्या किया, उसने मैंने कहा कि जब आपका मैंने नेम लिया कि भाई अली अख्तर मैं हूँ, आपने मेरे हाथ चूल्हे से क्यों नहीं निकाले, मैंने उनसे अपने अल्फाज में कहा, तो उन्होंने कहा कि मुझसे गफलत हो गई, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, मुझसे ये गलती हो गई है, मुझसे ये गलती हो गई है, और यही मैसेज मेरे पास पड़े हैं, मैं आप सबको शो करवाऊंगी वो भी। ये हैं वो तमाम तर मैसेजेस जिनमें ये जाली आमिल अपनी गलतियों का एतराफ कर रहा है, लेकिन आकाश इस बात का एहसास उसे उस वक्त होता जब वो कमसिन लड़की को जला रहा था। चारपाई पे थी, उसके बाद मैंने कहा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी जो चीखे थी वो तो अर्श पे थी, मैं इतना तड़प रही थी, मुझे अपना पता नहीं था। उसके बाद मैं यहाँ पर थी, चारपाई खड़ी थी, मैं चारपाई पे सोई हुई थी। उसके बाद जो है उसने कहा कि आप यहाँ रुको, इनका ट्रीटमेंट मैं खुद करता हूँ। उसने क्या किया कि सबको बिठा के फिर वो गए और अपने घर से टूथपेस्ट लेकर आए, वो भी मेरे हाथों पे लगाई और मेडिसिन घर से लेकर वो भी आया, और घर में जो उसके घर पे जो मेडिसिन पड़ी थी वो मेडिसिन भी लाए, और उसके बाद वो मेडिसिन भी मुझे खिलाई, और पेरेंट्स को कहे भाई भी इसे खिलाओ। उसके बाद जो है टूथपेस्ट भी मेरे हाथों पर डाली, और सुबह में भी आए ऐसे आते, बेटा तबीयत कैसी है, ठीक है, ऐसा फलान फना ऐसा हो गया, ठीक है। जब मैं बार बार कह रही थी कि मैं हूँ तभी मेरे हाथ क्यों नहीं निकला, तो उनके बार बार यही अल्फाज थे कि मुझे पता नहीं चला। हिना बच गई, लेकिन हिना को जलाने के बाद इस शख्स का एक नया रूप भी सामने आया। मनफी जहनियत के हामिल इस शख्स के इरादे क्या थे, सुनिए जरा। ये अभी नहीं, जिन ऐसा नहीं जाएगा, ये ना अभी ना मैं शादी, इसकी शादी करवाओ, मैं ही शादी करूँगा, मैं अपना नाम दूंगा,
फिर ना वो जिन जो है ना भाग जाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं भागेगा। फिर मुझे गुस्सा आ गया, फिर उसको इसको मतलब बोला तुम, इसको पहले बहन बहन बोल रहा था, फिर इसको बोला नहीं तुम मुझसे दोस्ती करो, ऐसे मैं नाम दे रहा हूँ दोस्ती वैसे नहीं। फिर मुझे गुस्सा आ गया और फिर मेरी बड़ी बेटी को बोला मैं इसके मोबाइल पर मैसेज करूँ, कोई नहीं मोबाइल इसका उठाए। फिर हम समझ लगा और मैं भी समझ गई, फिर इसको जो बोला ये आपको बता रही हूँ। आपको कब उस इंसान ने ऐसी घटिया बातें करना शुरू की? ये मतलब जब जली में, उसके बाद जब मैं जली उसके बाद जो मैं हमने लोगों के वास्ता ख़त्म किया, उसके बाद ये मैसेज करने लगा। इन मैसेजेस के अंदर भी देखा जा सकता है कि वो शख्स अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और जाल डालने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो जितने भी अफराद इस वक्त देख रहे हैं इस कहानी में, बहुत सबक है खुदारा किसी पे बिलीव करने से पहले, किसी को अपने घर पर लाने से पहले, और स्पेशली ऐसे मामलात में, क्योंकि ये सादा लोग थे, इनकी बच्ची के साथ ये मसला हुआ, ये डॉक्टर के पास लेके गए, लेकिन ये किसी साइकोलॉजिस्ट साइकाट्रिस्ट के पास नहीं लेके गए। जो कि हमने पहले भी कहा कि घर वालों ने ये यकीन कर लिया कि जिन आते हैं बाकी बच्चों पर भी आते हैं, और फिर उस आदमी ने इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया, उससे कहा मैं निकालता हूँ जिन, और फिर उसके जिस तरह से उसने फ़ायदा उठाया कि उसने बच्चों को शराब तक पिला दी, इनको भी पता नहीं क्या क्या बोलता रहा, और फिर क्योंकि ये इनका एतकाद था इस बात पे, इनका यकीन था इस बात पे, तो ये खौफ में भी रहे। अब हमीद साहब भी खौफ में रहते थे, पता नहीं कैसे जादू कर देगा हमारे पे, क्या फूंक देगा, क्या कर देगा, बच्चों की शादियाँ नहीं होंगी बच्चियों की, तो एक टोटल टेंशन में रह रही थी ये फैमिली कि हमारे साथ कुछ भी ये कर सकता है, क्योंकि इसके पास कोई ऐसी ताकतें हैं, ऐसी कोई चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन अब देखें ना उसकी ताकत कहाँ, इस वक्त वो भागा हुआ यहाँ से, वो फरार हो चुका है यहाँ से, जब इन्होंने पुलिस में एप्लीकेशन दी। हिना बच गई, लेकिन अभी कई बेटियों की जिंदगियां खतरे में हैं। जहां ऐसे घिनौने खेल खेलने वालों को निशाने इबरत बनाना चाहिए, वहीं हमें भी चाहिए कि मुश्किल हालात में अल्लाह पर भरोसा रखें, मेहनत करें, और किसी बीमारी की सूरत में नाम नेहाद आमलों के पास जाने की बजाय इस बीमारी का इलाज करवाएं। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।